पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हेल्प डेस्क बनाकर कोविड से बाहर आने वाले मरीजों की मदद की जा रही है। मुरादाबाद में जगह जगह पर हेल्प डेस्क बनाकर मदद करने का काम किया जा रहा है। महानगर के दो स्थानों पर मरीजों की मदद के लिए कोविड कॉम्प्लिकेशंस हेल्प डेस्क बनाई गई। लाइन पार में भी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता और महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा रहे। इस दौरान फीता काट कर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, तो वहीं फूल मालाओं से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान सभी को सेवा ही संगठन के तहत मदद करने का संकल्प दिलाया गया। महानगर के सम्मानित पदाधिकारीगण, मंडल के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित पार्षदगण और बहुत बड़ी संख्या में देख लो ये मातृशक्ति बैठी है, मैं बधाई देना चाहता हूँ इस मंडल के अध्यक्ष और महिला कोषा की जो हमारे साथ महिलाएं हैं कि इतनी बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ मौजूद सभी सम्मानित कार्यकर्ता को। आज बैंकसार क्षेत्र में पोस्ट कोविड कैंप का उद्घाटन किया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से कोविड होने के बाद जो पेशेंट सही हो गए और सही होने के बाद उसके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनसे जो परेशानियां उनको होती हैं उन परेशानियों को कंसेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये कैंप लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में मुरादाबाद के लाइपाल मंडल में आज इस कैंप का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से जो पेशेंट कोविड से ठीक हो चुके हैं लेकिन कोई ना कोई साइड इफेक्ट उनको रहता है, जैसे कि याददाश्त में कभी दिखाई देती है, कोई एलर्जी होती है, तो उसके लिए हमारे बीच में डॉक्टर पराग रसोगी जी जो कि एमडी फिजिशियन है अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। उनके साथ साथ डॉक्टर जगदीश कश्यप जी वो भी अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। जो भी पेशेंट यहाँ पर आएंगे उनको निःशुल्क ही ये सेवाएं दी जाएगी। जो मेरा यहाँ मौजूद सभी लोगों से निवेदन है कि इस कैंप का प्रचार प्रसार पूरा धाईपार मंडल में हो सके, इसकी चिंता आप लोगों को करनी है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी माध्यम हो सकता है एडवर्टाइजमेंट का, अधिक से अधिक हम लोगों को प्रचार करना है। इसके बाद कार्यक्रम काशीराम नगर स्थित इंटर कॉलेज में किया गया, जहां पर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कहा गया कि सेवा ही संगठन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना है और जनता को बताना है कि भाजपा हमेशा जनता के लिए काम करती है। इस दौरान सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। सक्षम अध्यक्ष मेरे भाई संदीप चौहान जी, कार्यक्रम के संयोजक मेरे साथ मेरे महानगर उपाध्यक्ष भाई संदीप चंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित सेंट्रियम कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल साहब जी, हमारे डॉक्टर आदरणीय पराग रस्तोगी जी, हमारे भाई जगदीश चरण कश्यप जी और नगर निगम में उपाध्यक्ष और इस क्षेत्र से ही पार्षद राजेश गुप्ता जी और इस कार्यक्रम के सह संयोजक भाई शम्भी भटनागर जी और मेरे यहाँ दो साथी हैं हिमराज सैनी जी और हमारे जनरल सुजोकिया जी जो मेरे साथ महानगर में उपाध्यक्ष और सर्वेश पटेल जी जो महानगर में मंत्री और सभी मेरी बहने और कार्यकर्ता बंधु। ये जो कोविड का काल चला, पहले मैं एक परिचय कराऊंगा इसमें, उसके बाद बताऊंगा ये जो कैंप लग रहा है इसमें इतनी महामारी फैली,
सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विधायक जी ने भी उसमें लगातार अपनी एक कम्युनिटी किचन भी चलाई, लोगों को राशन भी दिया, अन्य सुविधाएं भी दी, और एक जो 10 लोगों की टीम थी जो प्रमुख टीम थी, जिससे इस महामारी में जो 25 दिन तक जब कहीं बैठ नहीं मिल जाता, उसके प्रमुख अंग थे जो लोगों को एडमिट करा रहे थे, जो हमारे विभाग प्रचार जी के उसमें थी, लेकिन जब कहीं बैठ नहीं मिल जाता उसमें एडमिट करा रहे थे। इस तरह से सभी लोगों ने, आपने भी सबने सेवा करी है, सबने मिला। उसी बीच एक शख्स है हमारे बीच में, आइए मोहित चौहान जी, प्रदेश ने मुझे ऐसा बताया है, जब ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, लोग तड़प रहे थे, और संजीव चौहान जी घर में 4 डेथ हुई। आप सोचिए, जिसके घर के अंदर 4 डेथ हो जाती है वो टूट जाता है, आदमी एक डेथ के बाद टूट जाता है। उसके बाद भी उनके छोटे भाई संजीव जी के, मोहित चौहान जी ने आबू धाबी में रहते 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हमें उपलब्ध कराए, और जो जगह जगह जहां पर भी किसी ने मांगा, हमारे राजेश गुप्ता जी, संजीव चौहान जी, दिनेश सिसोदिया जी, ये लाइन पार टीम, ये दीपक यादव, रात की 12 बजे 2 बजे जब भी किसी जरूरत की तरह ने पहुंचाया, इनका हम हृदय के आभारी हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।